रेशमा तू यहाँ कैसे? पुणे से कब आई? क्या हुआ, परेशान क्यों है? अशब, राकेश 4 दिन से लापता है। What? Strange. अच्छा तू बैठ। राकेश लापता है? तुम दोनों में कोई झगड़ा तो नहीं हुआ था ना? तू मजाक क्यों कर रही है? राकेश यहाँ मुंबई आया था 5 तारीख को। 7 तारीख को वो वापस पुणे आने वाला था डेक्कन क्वीन से, लेकिन वो आया नहीं। एक बात बताइए, आपको ये कैसे मालूम कि वो डेक्कन क्वीन से आने वाले थे? उन्होंने पुणे से ही बुकिंग करवाई थी। मगर वो उस ट्रेन में बैठे या नहीं, ये नहीं मालूम आपको? ये तो नहीं पता। उनके पास मोबाइल फोन है? हाँ है, लेकिन बंद है, कोई उठा ही नहीं रहा है। अच्छा, आपने पुणे पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई है? हाँ लिखवाई है, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला। वैसे आप करती क्या? सर ये डॉक्टर है, हम दोनों कॉलेज में साथ में ही पढ़ते थे। आपके पति मुंबई में ठहरे कहाँ थे? साइन में, बंगल लॉज में। आपके पास राकेश का कोई फोटो तो होगा, लाइए आप। हाँ, ये साहब ठहरे थे हमारे पास, 5 तारीख को आए थे, 2 दिन रहे और 7 तारीख को चले गए। 7 तारीख को चले गए? 7 तारीख को चले गए तो इनके पास कुछ ना कुछ सामान तो होगा ही। वो यहां से गए कैसे थे? टैक्सी वैक्सी तो मंगवाई होगी ना? जी हाँ, टैक्सी हमारे वॉचमैन ने ही मंगवाई थी। ये रहा वॉचमैन, इसे से पूछ लीजिए साहब। ये आदमी 7 तारीख को यहां से गया था, इसके लिए टैक्सी तुमने मंगाई थी ना? हाँ सर, टैक्सी मैंने ही बुलाई थी। तुम उस टैक्सी ड्राइवर को पहचानते हो? हाँ सर, पहचानता हूँ ना, वो ड्राइवर अपनी टैक्सी हमेशा एसी लॉज के सामने तो लगाता है। वो क्या है कि भाड़ा अच्छा मिल जाता है ना साहब। कितने बजे आता है वो यहाँ? वैसे तो सुबह सुबह ही आता है, पर ये 2-3 दिन से दिखाई नहीं दिया, शायद बीमार हो गया होगा। उसके घर का पता मालूम? नहीं साहब, उसे घर का पता तो नहीं मालूम। तुम टैक्सी यूनियन के ऑफिस में जाओ और उस ड्राइवर के बारे में पता करो। यस सर। हम सीएसटी जाते हैं, रिजर्वेशन ऑफिस में जाकर डेक्कन क्वीन ट्रेन का रिजर्वेशन चार्ट निकलवाना पड़ेगा 7 तारीख का। मुझे नहीं लगता वो लोग हमें आसानी से चार्ट दिखाएंगे, पेपर वर्क बहुत होता है। वैसे मायूस मत हो, दया अभी तो अंदर घुसे भी नहीं है। फिर भी यू नो, रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन के साथ पुणे जाता है फिर वापस आता है। एक कॉपी यहाँ भी तो रहती है ऑफिस में, चलो। देखिए, वैसे तो हम अपने रिकॉर्ड किसी को दिखाते नहीं हैं। अब आप कह रहे हैं कि आप सीआईडी वाले हैं तो दिखा देते हैं। ये देखिए, ये है डेक्कन क्वीन का 7 तारीख चार्ट। इसके मुताबिक राकेश कुमार की सीट का नंबर था CH14। ये 15 और 16 पे कौन है? 15 पे है कोई मिस अनीता और 16 पे है कोई मिस्टर मुरली। आपके पास इन दोनों का एड्रेस तो होगा? एड्रेस? हाँ सर, एड्रेस तो रिजर्वेशन स्लिप पर जो पैसेंजर भर के देते हैं वही होता है, वो आपको बाहर रिजर्वेशन काउंटर पर मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, ये 16 नंबर वाला मुरली तो अभी तक पुणे में ही है। और अनीता जो 15 नंबर सीट पे थी वो कहाँ है? वो पुणे से वापस आ गई है, हमने उसे बुलवा लिया है, आती ही होगी। ले लीजिए, या भी गई हैं लगता है। ठीक है, आइए बैठे। थैंक यू। माफ कीजिएगा आपको यहाँ आना पड़ा। क्या लेंगे आप, चाय कॉफी?
जी कुछ नहीं, मगर बात क्या है सर? दरअसल एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, एक आदमी गायब हो गया है। जी हाँ, उसी के बारे में पूछताछ चल रही है। आप ये बताइए कि 7 तारीख को आप डेक्कन क्वीन से पुणे गई थी? जी हाँ, क्यों? हमें बस ये जानना था कि उस दिन आपके डिब्बे में ये आदमी आपके साथ था, 14 नंबर सीट पर। जी नहीं, ऐसा कोई आदमी नहीं था। आपको अच्छी तरह याद है? जी हाँ, मेरे इस तरफ एक 30-35 साल का आदमी बैठा हुआ था, लेकिन वो ये नहीं था। और इस तरफ, हाँ याद आया, 14 नंबर सीट पर एक बुढ़ा आदमी बैठा हुआ था। आपको पक्का याद है? जी हाँ, क्योंकि वो ट्रेन चलने के काफी समय के बाद सीट पर आकर बैठा था और पूरे रास्ते वो सोता रहा, और उसका सर जो है बार बार मेरे कंधे से टकराता था, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, तो इसलिए मुझे याद है सर। इसका मतलब राकेश उस ट्रेन से पुणे गया ही नहीं। रिजर्वेशन चार्ट पर राकेश का नाम लिखा हुआ है और सीट पर बैठा कोई और, ये अजीब बात। चलो अच्छा हुआ कम से कम अनीता तो मिल गई। अगर वो बुड्ढा अनीता के कंधे पे बार बार नहीं सोता तो उसे याद भी नहीं रहता। ये जाग बड़ा अजीब आदमी है, इसने बताया क्यों नहीं कि राकेश की जगह कोई और बैठा था सीट पर? देखिए, किसी भी ट्रेन के स्टेशन से छूटने के आधा घंटा बाद भी अगर कोई सीट खाली रहती है तो वो हम किसी दूसरे पैसेंजर को दे देते हैं, चाहे किसी के नाम पे बेलॉट हो। अब नहीं आया पैसेंजर तो हम क्या करेंगे? इतने लोग खड़े होकर जा रहे हैं, सीट किसी और का काम आ जाती है। अगर आप सीट किसी और को देते हैं तो रिकॉर्ड तो होता होगा ना? बिल्कुल, रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं उसका, उसको बकायदा चालान फाड़ के दिया जाता है, फिर चालान बुक ऑफिस में जमा करवा दी जाती है। अच्छा जरा देखिए, 7 तारीख को डेक्कन क्वीन का चालान आपके पास है क्या? 7 तारीख, एक मिनट। जी हाँ, ये है वो चालान बुक। अब उस पे अगर किसी और ने सफर किया होगा 14 नंबर सीट के ऊपर, तो इसमें चालान कटा होगा। ये 14 नंबर सीट का तो चालान कटा हुआ और इस पे सफर किया है किसी बद्री प्रसाद ने। चीप चक्कर है, राकेश इस ट्रेन से पुणे गया ही नहीं, पर लॉस से तो वो स्टेशन की तरफ ही निकला था और उसे यही ट्रेन पकड़नी थी। तो फिर बैठा क्यों नहीं इस ट्रेन में? लगता है लॉज और स्टेशन के रास्ते के बीच में कुछ हुआ है। उस टैक्सी ड्राइवर का मिलना बहुत जरूरी है जो राकेश को लेकर यहाँ आया था, उसे सब मालूम होगा कि क्या हुआ है। कहीं उसी ने तो कुछ गड़बड़ नहीं की? राकेश के मोबाइल फोन से पता चल सकता है कि उसने मुंबई में किस किस से बात की थी। सर, हमने मोबाइल कंपनी के कंप्यूटर से राकेश के मोबाइल नंबर की लिस्ट निकाल ली है, इसमें वो सारे नंबर्स हैं जिस पर राकेश ने फोन किए और जो फोन उसे आए। वेरी गुड, तो क्या पता चला? सर, राकेश ने कुछ फोन तो अपने घर में ही किए थे, पुणे में। अच्छा, और? और सर, राकेश ने मुंबई में 3 अलग-अलग नंबर्स पर फोन किए थे। 3? किसके नंबर्स हैं ये? किस किस को फोन किए? सर, ये 3 नंबर राकेश के दोस्तों के हैं, मैंने उनसे पूछताछ भी कर ली है। उन सबका यही कहना है कि राकेश ने उनसे पैसे उधार मांगने के लिए फोन किया था। उधार मांगने के लिए? हाँ सर। कितने पैसे उधार मांगे थे राकेश ने? 10 लाख रुपए सर। 10 लाख? ये 10 लाख रुपए उसे क्यों चाहिए थे? सर, ये तो राकेश ने उन्हें नहीं बताया था, लेकिन वो सब एक बात कह रहे थे कि राकेश बहुत घबराया हुआ लग रहा था, उसकी आवाज बड़ी डरी हुई सी आ रही थी। फिर किसी ने उसे ये पैसे दिए? नहीं सर। हेलो, हाँ फेडरिक्स। अच्छा ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं वहां पर। बस टैक्सी ड्राइवर का पता चल गया है जिसकी गाड़ी में बैठकर राकेश स्टेशन गया था। 7 तारीख को इन साहब को तो अपनी टैक्सी में लेकर गया था? हाँ साहब, पर मैंने कुछ नहीं किया साहब, जो कुछ भी हुआ मेरी कोई गलती नहीं है साहब। क्या हुआ था उस दिन? जल्दी बताओ वरना पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा, जल्दी बताओ। हुआ यूं था साहब, मैं इन साहब को दादर स्टेशन ले जा रहा था कि अचानक इन्होंने कहा इस रास्ते से मत चलो,
दूसरे रास्ते से चला। दूसरे रास्ते से क्यों? पता नहीं मैम साहब, मैंने इनसे कहा भी कि ये छोटा रास्ता है, इससे जल्दी पहुंच जाएंगे, पर ये अपनी बात पर अड़े रहे और बहुत घबराए हुए से लग रहे थे, बार बार पीछे मुड़कर देख रहे थे। पीछे मुड़कर? कोई पीछा कर रहा था क्या? ऐसा कुछ दिखा तो नहीं साहब, पर अचानक साहब। अचानक क्या? अचानक एक गाड़ी बड़ी तेजी से पीछे से आई और मेरी टैक्सी के आगे आकर खड़ी हो गई। उतर बाहर, निकल बाहर। बोला था ना मेरे से पंगा मत ले, बोला था ना। ए ड्राइवर, तेरा नंबर मैंने नोट कर लिया है, जरा सी भी इधर उधर बातचीत करने की कोशिश की तो तुझे शमशान पहुंचा दूंगा, देखा ना। हाँ साहब, समझ गया। चल मैं जानता हूँ साहब, मुझे कुछ करना चाहिए था, पर मैं क्या करूं, मेरे घर में बीवी बच्चे हैं साहब। हाँ ये तो है, लोग हमेशा बीवी बच्चों की वजह से ही चुप रह जाते हैं। मुझे मालूम था साहब कि साहब की जान को खतरा है, फिर भी मैं पुलिस के पास नहीं गया, क्योंकि साहब मैं बहुत डर गया था साहब। मैंने 3 दिन तक अपनी टैक्सी घर से बाहर नहीं निकाली थी साहब। अच्छा, वो आदमी दिखने में कैसा था, मतलब लंबा चौड़ा? नहीं, वो आपकी तरह लंबा चौड़ा नहीं था साहब, पर बातों में पूरा बदमाश था साहब। मुझे तो लगता था कि वो मुझे भी मार डालेगा जैसे उसने उस साहब को मारा था, एक ही बार मारा था साहब। मुझे तो लगता है वो साहब जरूर मर गए होंगे। और कुछ याद है तुम्हें साहब? वो साहब देखो, डरने की जरूरत नहीं है, कुछ याद है? बार बार साइकिल की चेन वाला वो हाथ मेरी आंखों के सामने आ जाता है साहब। नंबर क्या था गाड़ी का? नंबर साहब, देखो मुझे मालूम है कि तुम्हें गाड़ी का नंबर याद होगा, क्या था नंबर? मैंने गाड़ी का नंबर देखा था साहब, मैंने गाड़ी का नंबर नोट किया था साहब। सर, बदमाशों की गाड़ी का नंबर नकली है। इसका मतलब राकेश को किसी ने पहले से ही किडनैप करने का प्लान बना रखा था। राकेश को अगवा अगर पैसे के लिए किया गया होता तो किडनैपर्स कोई ना कोई मांग जरूर करते, मगर ऐसा कोई फोन आया नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि कोई राकेश को ब्लैकमेल कर रहा हो, क्योंकि वो 10 लाख रुपयों के लिए मारा मारा फिर रहा था। हो सकता है उसे किसी को 10 लाख रुपए देने हो। राकेश का कुछ पता चला? देखिए, हमारा अंदाजा है कि किसी ने राकेश को किडनैप कर लिया है। किडनैप? मुझे लगता है कि राकेश पैसों के लिए मुंबई आया था। उसने 2 दिन में अपने 3 दोस्तों को पैसों के लिए फोन किया, और कोई मामूली रकम भी नहीं थी, 10 लाख रुपयों की जरूरत थी उसे। 10 लाख? 10 लाख रुपए तो हमने कभी एक साथ देखे ही नहीं है, 10 लाख तो बहुत होते हैं। देखिए, बुरा ना मानिए तो एक बात पूछूं, राकेश को कोई बुरी आदत तो नहीं थी, जैसे जुआ वगैरह? सर ये तो बिल्कुल गलत बात है, जो आदमी लापता है उसी पर आप शक कर रहे हैं। हम उन पर शक नहीं कर रहे हैं, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि राकेश को 10 लाख रुपयों की जरूरत क्यों थी। उन्होंने आपको कभी इसके बारे में कुछ बताया नहीं? जी नहीं, कभी नहीं। हाँ, उनका एक दोस्त है जय, जो बार बार फोन कर रहा था, राकेश उसका फोन नहीं ले रहा था, कहीं हो सकता है उन दोनों के बीच कोई लेन देन की बात हो। ये जय पूना में ही रहता है। हाँ। अगर आपको एतराज ना हो तो हम पूना जाकर जय से मिलना चाहते हैं, हो सकता है इस सब के पीछे उसी का कोई हाथ हो। ठीक है, तुम और सुधाकर पूना चले जाओ और मुझे इन्फॉर्म करते रहना। फ्रेडरिक्स, तुम सारी मोडस ऑपरेंडी की फाइल्स निकालो और चेक करो कि साइकिल की चेन इस्तेमाल करने वाले गुंडों की कोई इंफॉर्मेशन है क्या। यस सर। yes,
हेलो अभिजीत, एक लाश मिली। क्या? समुद्र के किनारे पर, बहुत बुरी हालत। मुझे लगता है कि लाश कम से कम 3 दिन तक पानी में पड़ी रही, इसीलिए इतनी बुरी तरह से सड़ गई। उस टैक्सी ड्राइवर ने बताया था कि उस गुंडे ने बहुत जोर से मारा था राकेश के सिर पर। इसके सिर में चोट के निशान है? हाँ, स्कल में फ्रैक्चर है। आप लोग कहना क्या चाहते हैं? ये मेरा राकेश है, मेरा राकेश मर नहीं सकता। मैं बॉडी देखना चाहती, मैं पहचान लूंगी। मैडम, बॉडी पूरी तरह से गल चुकी है, आप मत देखिए प्लीज। नहीं, मैं बॉडी देखना चाहती हूँ, ये मेरा पति है, तो मुझे देखने का पूरा हक है, हक है ना? हाँ हक है, लेकिन बॉडी की हालत बहुत खराब है, मत देखिए। मुझे देखने दीजिए, मैं पहचान लूंगी। मत देखिए प्लीज। नहीं, ये मेरा राकेश नहीं हो सकता, जो इनके साथ में मिला था। हाँ, ये मोबाइल फोन। जरा ध्यान से देखिए, ये मोबाइल फोन और घड़ी राकेश की है क्या? प्लीज छुइए मत। हाँ, ये वैसी ही है जैसी राकेश के पास था। और ये चेन? ये भी वैसी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि राकेश की ही चीजें हैं। और लोगों के पास भी ऐसी चीजें हो सकती हैं, ये फोन, ये घड़ी। देखिए, हम पूरी छानबीन करेंगे, हम इनके फिंगरप्रिंट्स लेंगे, इनके दांतों का रिकॉर्ड देखेंगे, तब तक हम भी नहीं मानेंगे कि ये राकेश है। राकेश की उंगलियों के निशान के लिए तो हमें पूना जाना पड़ेगा। राकेश के दोस्त जय से पूछताछ करने के लिए पूना जा ही रहा हूँ। वहां राकेश के घर से कोई ऐसी चीज ले आता हूँ जिस पर से उसके उंगलियों के निशान मिल सके। ठीक, आपके घर में कोई होगा इस वक्त? हाँ, मेरा देवर। वैसे आपके देवर का नाम क्या है? विनय। एड्रेस क्या है रेशमा का? 12 आश्रम रोड। चलो देखते हैं ये विनय दिखता कैसा है। ये लीजिए सर। सर, उसने एक बार उसके एक दांत का रूट कैनल करवाया था। अच्छा, शायद तभी एक्सरे निकाला होगा। राकेश अक्सर इस्तेमाल करता हो ऐसी कोई चीज है घर में, जैसे ब्रीफकेस वगैरह? हमें राकेश के उंगलियों के निशान चाहिए। जी, ब्रीफकेस तो वो अपने साथ ले गए। कुछ और यहाँ पे तो सब चीजों पे हम सबके उंगलियों के निशान है, और क्या हो सकता है? हाँ हाँ सर, राकेश सोने से पहले कभी कभी पाइप पिया करता था। अगर आपको चाहिए तो मैं वो पाइप लाके दूँ। इस पाइप से मुझे एक अच्छा प्रिंट मिला, एकदम साफ, अंगूठे का है। अब इस लाश के अंगूठे का भी प्रिंट निकाल कर देखते हैं, दोनों मैच करते हैं या नहीं। देखो, घबराना नहीं, मैं तो लाश देखता ही रहता हूं। अब इसे कांच की प्लेट पर रख के इसका फोटो निकालते हैं। इस प्रिंट को अंगूठे के प्रिंट से मैच करके देखते हैं। ये देखो अभिजीत, ये वो निशान है जो हमें पाइप पर से मिले। ये आइलैंड देख रहे हैं, और ये वो निशान है जो अभी हमने लाश पर से लिए। इसका आइलैंड देखो, ये सेंटर पोर्शन देख रहे हो, और ये इसका सेंटर पोर्शन देखो, ये दोनों निशान एक ही आदमी के, राकेश के। रेशमा,
रेशमा 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 संभाले अपने आप को और यहाँ बैठो रेशमा। रेशमा जी हमें अफसोस है कि हम आपके पति को जिंदा तो नहीं ढूंढ सके मगर हम उनके कातिलों को जल्द से जल्द ढूंढ निकालेंगे। हेलो हाँ लाश राकेश की है। अच्छा हाँ ठीक है मैं राकेश के दोस्त जैसे पूछताछ करता हूँ। ओके क्या राकेश मर गया? मार दिया गया ये कहना ठीक होगा मिस्टर जय? मार दिया गया लेकिन राकेश को कोई मारना क्यों चाहेगा भाई? यही जानने के लिए मैं आपके पास आया। मेरे पास क्यों? राकेश पिछले कुछ दिनों से 10 लाख रुपए मांग रहा था लोगों से। क्यों चाहिए थे राकेश को ये 10 लाख रुपए? अजीब बात है पैसे चाहिए थे राकेश को और आप पूछ रहे हैं मुझसे? क्योंकि मिसेज जय आप राकेश को बार बार फोन कर रहे थे और वो आपसे बात करने से कतरा रहा था। क्या उसने आपको कुछ पैसे देने थे? नहीं नहीं बस साफ साफ बता दो फोन का मामला है ये। फोन का मामला है इसीलिए तो कह रहा हूं सच बोल दो। सच बोलना ही पड़ेगा। अभी बोल दिया तो अच्छा है वरना बाद में तो बोलना ही पड़ेगा। देखिए राकेश ने मुझसे कोई पैसे नहीं लिए थे बल्कि मैंने ही उसे 10 लाख रुपए रखने के लिए दिए थे। क्यों? मुझे खबर मिली थी कि मेरे घर इनकम टैक्स वालों का छापा पड़ने वाला है इसलिए मैंने ये सारे पैसे वहां छुपा दिए थे। फिर? फिर क्या 10-15 दिन हो गए रेट पड़ा ही नहीं और मैं फिर वापस उसके यहाँ पैसे लेने गया तो उसने पैसे दिए ही नहीं है ना? उसने वो सारे पैसे शेयर मार्केट में लगा दिए मार्केट गिर गई पैसे डूब गए सारे तो आपसे छिपने लगा। और आप राकेश के पीछे पीछे मुंबई भी गए थे ना? नहीं नहीं मैं मुंबई नहीं गया था मैं यही पुणे में था। ओ, तो आपने यही बैठकर सारा काम करवा लिया। पैसे निकलवाने के लिए आपने एक गुंडे को बुलाया उसे पैसे दिए और उस गुंडे से राकेश को किडनैप करवाया। उस गुंडे ने राकेश के सिर पे इतने जोर से मारा कि वो बेचारा मर गया। ये झूठ है, ये झूठ है। ठीक है दया तुम वही पूना में ही उस पर नजर रखो और पता करो कि जय की जान पहचान किन किन लोगों से है और उनसे जय के बारे में पूछताछ करो। अभिजीत जब जब मैं इस लाश के अंदर झांकता हूं तब तब एक नई ही बात पता चलती है। कमाल जिंदा लोगों की तरह लाश भी रंग बदलती है। मुझे तो ये वैसी की वैसी दिखाई दे रही। देखो राकेश का खून 7 तारीख को हुआ था और इसकी लाश समुद्र के किनारे हमें 11 तारीख को मिली थी। ठीक है ठीक है लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से लाश 4 दिन तक पानी में थी नहीं। पानी में नहीं थी? इतनी ज्यादा गल कैसे गई? नहीं गली तो पानी में ही है मगर समुद्र के पानी में नहीं। फिर कौन से पानी में? सादे पानी। सादे पानी में? तो कहीं नदी या तालाब में तो नहीं पड़ी थी? नहीं नदी या तालाब में तो नहीं पर शायद पानी की टंकी में पड़ी हो या बाथटब में पड़ी हो। जहां तक मेरा अंदाजा है लाश कम से कम 3 दिन तक सादे पानी में रखी गई उसके बाद कहीं 4th दिन समुद्र में फेंकी गई। मगर कोई लाश इतने दिन तक ऐसे अपने पास क्यों रखेगा? एक कारण हो सकता है खूनी राकेश को जान से मारना नहीं चाहता होगा लेकिन अचानक जब वो मर गया उसे समझ में नहीं आया कि लाश का क्या करे। 3 दिन के बाद मौका देकर उसने लाश समंदर में फेंक दी ताकि किसी को मिले नहीं। लेकिन 3 दिन तक उसने लाश पानी में ही क्यों रखी? साइकिल के चेन वाले गुंडे को ढूंढना होगा जिसने राकेश को मारा था। हाँ सर शहर में 6 ऐसे गुंडे बदमाश हैं जो साइकिल चेन का इस्तेमाल हथियार की तरह करते हैं। इनमें से 5 का पता लग चुका है। उनके हाथों पर हमने साइकिल चेन बांधी है और चेहरे पर नकाब भी ढक दिया है। ठीक है इससे इस टैक्सी ड्राइवर को उन्हें पहचानने में मदद मिलेगी। चलो अंदर चलो और इनको पहचानो इनमें से कौन है। अब मुझे कुछ होगा तो नहीं? कुछ नहीं होगा डरने की बात नहीं है। चलो सब बहुत डर लग रहा है। चलो सब देखो
ध्यान से देखो, इनमें से कौन है? ये था? नहीं साहब, ये लंबा है साहब। ठीक से याद है? जी मैडम। ये? नहीं, ये तो मोटा है। इसे देखो, ये था? नहीं मैडम, ये भी लंबा है। ये सीधा खड़ा रहे। ये भी नहीं था। एक बार फिर से देख। नहीं मैडम, ये भी लंबा है। इसे देख, ये था? ध्यान से। हाँ, ये हो सकता। तूने मारा राकेश को? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। झूठ बोल रहे हैं? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। ये नहीं था साहब। क्या? इसकी आवाज वैसी नहीं है साहब। इनमें से कोई भी नहीं था साहब। कहीं तुम किसी से डर के तो नहीं झूठ बोल रहे हो? झूठ नहीं साहब, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। इनमें से कोई भी नहीं था साहब। अच्छा सर, ये छठा बदमाश कौन है? सर, बिल्लू करके एक बदमाश है, ये रहा। हमने इसे बहुत ढूंढा सर, पर पता नहीं कहीं गायब है। अटेम्प्टेड मर्डर, रॉबरी, असॉल्ट, इस आदमी के हाथ पैर बहुत चलते हैं। इसके घर चलते हैं। जी सर, बिल्लू मेरा पति है। मैं तो तंग आ चुकी हूँ साहब। बिल्लू हर वक्त चोरी चकारी मार धाड़ में लगा रहता है। अभी कहाँ है वो? पता नहीं साहब, मुझे तो उसका पता तभी होता है जब वो जेल में होता है। अभी जेल में है? नहीं साहब, जेल से बाहर होता है तो उसका कोई ठिकाना नहीं होता है। आखिरी बार कब निकला था घर से? चार दिन पहले। 7 तारीख को साहब। 7 तारीख? 7 तारीख को ही राकेश का फोन हुआ था ना साहब? हाँ सर, ये देखिए पूना की टिकट। ये बिल्लू पूना गया था क्या? जी साहब, 2 तारीख को। तुम्हें उसने कुछ बताया कि क्यों जा रहा है? नहीं सर। हाँ सुधाकर, पैसे? तो बहुत सारे पैसे, तुम्हें पता था इसमें पैसे रखे हुए? जी सर, बिल्लू लाया था, पता नहीं कहाँ से पाप की कमाई ला के रखता है सर। लेकिन मैं उसके पैसे छूती नहीं। मैं तो घर में खाना बनाने का काम करके अपना गुजारा चलाती हूँ। ठीक है, लेकिन ये आए कहां से? पूना से। तुम्हें बिल्लू ने बताया था? जी सर। सकता है ये पैसे बिल्लू को दिए हो। अगर ऐसा है तो इन नोटों पर बिल्लू और जय दोनों की उंगलियों के निशान जरूर मिलेंगे। नोटों के ऊपर से मुझे 2 अलग-अलग उंगलियों के निशान मिले, ये और ये। एक तो शायद उसके होंगे जिसने पैसे दिए हैं, और दूसरे उसके होंगे जिसने पैसे लिए हैं। डॉक्टर साहब, एक निशान तो बिल्लू का होगा क्योंकि पैसे तो उसी ने लिए हैं ना। फ्रेडरिक्स, जरा बिल्लू को फाइल दो। ये देखो अभिजीत, पुलिस रिकॉर्ड में बिल्लू के जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो इससे मैच करते हैं। ये फिंगरप्रिंट बिल्लू के ही। इसका मतलब इसे ढूंढना होगा, ये पता लगाना होगा कि बिल्लू को पैसे दिए किसने। बिल्लू ने खून उसी के कहने पे किया होगा। इस बिल्लू को जल्दी से जल्दी ढूंढो और दया को पूना में फोन करो। उनसे कहो कि जय और उसके जितने भी यार दोस्त हैं उन सब की उंगली के निशान लेके यहां भेजे। उन्हें इससे मिलाना है। देखिए, मैं एक इज्जतदार बिजनेसमैन हूं। मेरा स्टाफ क्या सोचेगा मेरे बारे में? आपको कोई हक नहीं बनता मेरे साथ इस तरह पेश आने का। मैं कौन सा जबरदस्ती कर रहा हूं आपके साथ? मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप मुझे अपने फिंगरप्रिंट दे दीजिए, बस। मैं पहले अपने वकील से बात करना चाहता हूं। जरूर कीजिए, मगर इस वक्त शायद आपको वो भी यही सलाह देंगे कि आप अपने फिंगरप्रिंट दे दीजिए और CID की मदद कीजिए। अगर आप एक शरीफ आदमी हैं तो डर क्यों रहे? दे दीजिए फिंगरप्रिंट। डर कहां रहा हूं? चलिए, हाथ आगे कीजिए।
थे, फैक्स कराए थे। ये आता जाए प्रिंट हो, अभी शायद पहले अंदाज बोलते हैं। आता बगा कुछ कराए थे? सीआईडी मुंबई। सीआईडी पुणे का ही गड़बड़ है का? पुणे में दया ने इतनी मेहनत की, जय और उसके साथियों के फिंगरप्रिंट्स लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं। क्यों डॉक्टर साहब? इसलिए अभिजीत के एक भी फिंगरप्रिंट इस अनजान फिंगरप्रिंट से मेल नहीं खाता है। मतलब नए सिरे से ढूंढना पड़ेगा कि पुणे में बिल्लू को किसने पैसे दिए थे राकेश को मारने के लिए। नहीं, उसके लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, मैं यही बता दूंगा। आपको मालूम है तो दया से इतनी मेहनत कराने की क्या जरूरत है डॉक्टर साहब? अभिजीत, मुझे खुद को अभी अभी पता चला, सब कुछ मेरी आंखों के आगे रखा हुआ था लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। बेवकूफ, संभाल के डॉक्टर साहब, वहां बाल बहुत कम है। हाँ ठीक है ठीक है, कम ही। देखो, हमें दो तरह के फिंगरप्रिंट मिले थे, बराबर? बराबर है। एक तो ये बिल्लू का और दूसरा ये एक अनजान आदमी का, राइट? राइट। अब इस अनजान आदमी के फिंगरप्रिंट्स को तो तुम भूल ही जाओ, इसकी बात करो, इस प्रिंट की। लेकिन सर, आप ही तो कह रहे थे कि ये प्रिंट बिल्लू का है। कह रहा था आशा, अब नहीं। क्या मतलब? मतलब ये अभिजीत के ये फिंगरप्रिंट ये राकेश का है। राकेश का? हाँ राकेश का। एक बात बोलिए सर, या राकेश या बिल्लू, एक निशान दो आदमी के कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं नहीं सुधाकर, हैं। हाँ मतलब बिल्लू ही राकेश है या राकेश बिल्लू है? भगवान जाने। भगवान जाने नहीं डॉक्टर साहब, पुलिस रिकॉर्ड में बिल्लू के उंगलियों के निशान हैं जो पुलिस स्टेशन में ही लिए गए, और आपने कहा ये निशान उससे मैच करते हैं, करेक्ट? करेक्ट। मतलब ये बिल्लू हुआ ना? मगर अभिजीत, पुणे में राकेश के घर से दया ने जो पाइप हमें भेजा था उस पर जिन उंगलियों के निशान थे वो भी तो इससे मैच करते हैं। लेकिन सब पाइप वाले उंगलियों के निशान लाश की उंगलियों के निशान से भी तो मिलते हैं। हाँ, और आप ही ने तो फोटो खींची थी ना उसकी। हाँ खींची थी। इसका मतलब है राकेश मर चुका है। हाँ? और बिल्लू भी मर चुका है। हाँ? ओह गॉड, व्हाट अ कंफ्यूजन। नहीं नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, मैं बताता हूँ ये सब क्या है। जरा दया को फोन लगाता हूँ। दया, जो नाम मैं तुम्हें बताता हूं, तुम उस आदमी को पुणे से अरेस्ट करके यहां ले आओ। ये लाश राकेश की नहीं है? लेकिन कल तक तो आप कह रहे थे ये लाश राकेश की है। तो आप इतना दुखी क्यों रही रेशमा जी? अगर ये लाश राकेश की नहीं है तो इसका मतलब आपके पति जिंदा है। तो फिर ये लाश है किसकी? ये लाश बिल्लू की है। बिल्लू की? और वो दांतों का एक्सरे और पाइप पर उंगलियों के जो निशान थे वो तो इसी के हैं ना? जी हाँ, इसी के हैं, मगर ये राकेश नहीं है। मतलब ये कि सिर्फ आपने कहा था कि ये दोनों चीजें राकेश की हैं, जबकि ये सारी चीजें बिल्लू की हैं। बिल्लू? बिल्लू बार बार वही नाम बिल्लू, ये बिल्लू है कौन? बिल्लू वो आदमी है जो आपसे मिलने पुणे आया था और जिसे आपने पैसे दिए थे। पैसे? मैंने किसी को पैसे नहीं दिए। नहीं दिए? आशा, इनकी उंगलियों के निशान लो। मैं नहीं दूंगी उंगलियों के निशान। क्यों दूं? क्योंकि बिल्लू के पास से हमें 50,000 रुपए मिले थे जिनमें दो आदमियों की उंगलियों के निशान है। एक निशान तो बिल्लू के है और दूसरे आपके हो सकते हैं। मेरे क्यों होंगे? मैं नहीं दूंगी निशान। आप इतना डर क्यों रही? अगर आपने पैसे नहीं दिए तो आपके निशान नोटों पर उड़कर थोड़ी ना जाएंगे। कमाओ रेशमा, दो ना निशान प्लीज। आशा, कमाओ प्लीज, जल्दी करिए प्लीज।
नोटों पर इन्हीं की उंगलियों के निशान है। आप बताइए रेशमा जी, आप तो कह रही थी कि आपने पैसे नहीं दिए। राकेश ने जय को 10 लाख रुपए देने हैं, पैसे उसके पास है नहीं, क्या करें? अपने आप को मरवा लिया, इंश्योरेंस से पैसे मिल जाएंगे। क्यों रेशमा जी, ठीक कह रहा हूं ना? अब चुप रहने से कोई फायदा नहीं है, पूना में आपका देवर बिना गिरफ्तार हो चुका है। मैंने राकेश को कहा भी था कि वो कोई ऐसा काम ना करे जिसमें पुलिस आ जाए, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। राकेश को स्टॉक एक्सचेंज में बहुत ही भारी नुकसान हुआ था। अगर हम अपना सब कुछ भी बेच डालते तो भी पूरा नहीं होता। राकेश को डर था कि मैं उसे जेल भिजवा देगा। तो इसीलिए हमने ये प्लान बनाया। हमने सोचा कि 25 लाख रुपए मिलेंगे इंश्योरेंस के, पूना छोड़कर दूर किसी शहर में जाकर रहेंगे। हमने बिल्लू को बुलाया और कहा कि वो किडनैपिंग करे। फिर हमने उसे समुद्र में फेंक दिया। फिर लाश को राकेश के कपड़े पहना दिए, राकेश की चेन, मोबाइल और घड़ी उसके पास रख दिया, फिर हमारे पास आ गई मदद मांगने के लिए। मगर सर, इन्होंने बिल्लू के दांतों का एक्सरे लिया किसे? मैं हॉस्पिटल से पोर्टेबल एक्सरे मशीन लेकर आई थी। बिल्लू को नींद की गोली देकर ने उसे बेहोश कर दिया और फिर उसके दांतों का एक्सरे लिया और पाइप पर उसकी उंगलियों के निशान। डॉक्टर साहब, आपने इतनी जल्दी पता कैसे लगा लिया कि ये निशान रेशमा के? मैं तो क्या अभिजीत, कोई माइक लाल इतनी जल्दी पता नहीं लगा सकता है। वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था ताकि इनके पांव के नीचे से जमीन खिसक जाए। देखो, खिसक गई जमीन। अब आप ये बताइए रेशमा जी कि दरअसल आपके पति हैं कहां? रेशमा, तुमने दो बार नॉक किया, मैं समझ गया था कि तुम ही होगी। क्या हुआ, तुम इतनी घबराई है क्यों? बात क्या है? बात कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ, बात क्या है? नहीं नहीं, प्लीज छोड़ दीजिए। तुम्हारा प्लान अच्छा था राकेश, मगर कामयाब नहीं हुआ। तुम तीनों को बिल्लू के खून के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है।